हेलो, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज राहुल बनोरिया। होप सो आप लोग काफी अच्छे होंगे और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। बाकी तो आपको पता चल ही गया होगा कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का हम लोग इतने टाइम से जो वेट कर रहे थे रिजल्ट का, आज फाइनली वो आ चुका है। इतनी मशक्कत के बाद हमें दीपावली का सबसे प्री गिफ्ट मिला है। सो गाइस, अब से जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एक ही मंथ के अंदर एमपीपीएससी 2019 का मेंस और 21 का मेंस साथ ही रहने वाला है। सो गाइस, तैयारी हमें बहुत अच्छे से करनी है। चलिए बाकी हम डिस्कस करते हैं कि क्या कट ऑफ रहा। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, आपके सामने लिस्ट है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 की कि क्या कट ऑफ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा जनरल का कट ऑफ, जैसा कि मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस बनाया हुआ था एक हफ्ते पहले, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं चैनल पे, सेम वही रहा है। वही हमें देखने मिला है कि जनरल का कट ऑफ 77 हमें देखने मिला, कि देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और क्रमानुसार सभी हमें, जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेड एनालिसिस निकाला था, वही रहा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कट ऑफ था, ये जो मैंने एनालिसिस किया था, कंपैरिजन किया था, वो हमारे सामने है। जनरल का मैंने आपको बताया था कि 74 75 रह सकता है, प्लस इससे ज्यादा भी जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है, कट ऑफ बढ़ सकता है। वैसा ही हुआ, 76 प्लस माइनस 1 मैंने कहा था आपसे, वही हुआ, 77 गया। ओबीसी का जो मैंने आपको बताया था कि 74 प्लस से 75 प्लस माइनस 1 हो सकता है, 74 हमें देखने मिला। तो इसी तरीके से एससी का 69 हमें देखने मिला। कुछ लोगों के कमेंट्स के जवाब मैं नहीं देता था उस समय, जैसा कि आप जानते हैं कि काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर ओबीसी का कैसे जा सकता है, इतना कट ऑफ कम होगा। मैंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज आपके सामने आ चुका है, ये हमारा कट ऑफ है। काफी हद तक सेम रहा, जैसा कि मैंने आपसे एक्सपेक्टेड एनालिसिस निकाला था, वही रहा है। जिन लोगों ने भी सुना समझा, उस पर काम किया, उनके लिए बहुत खुशी की बात है। और शायद आपको कुछ ट्रस्ट बिल्ड हुआ होगा मेरे चैनल पे या मेरी बात सुनने के लिए, तो आप आपसे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये जो कट ऑफ है, ये जो लिस्ट आई है, ये दो तरीके से आई है, पार्ट ए और पार्ट बी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कट ऑफ अलग अलग निकला है, ये हमारे 87% पे, और रिमेनिंग भाग बा, जैसे कि आप देख सकते हैं आयोग ने कहा था, ये प्रावधिक जनरल और ओबीसी के लिए कट ऑफ अलग से सेट किया है। ये जहां तक सेम है जैसे कि पहले रहा था हमारा, शायद पहले भी 2019 का कट ऑफ 73 ही रहा था जनरल मेल का, ओबीसी का 70 ही था, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। ये प्रावधिक लिस्ट है बचे हुए 13% पे दोनों का, और ये 87% पे। लगभग आप देख सकते हैं कि भाग आ जो रिजर्व है हमारा, उसमें 8,965 अभ्यर्थियों को लिया गया है प्रावधिक रूप से, और भाग बा में 4,215 बच्चों को रखा गया है। तो आयोग जो अब मेंस होगा हमारा, लगभग देखा जाए तो 13,500 से 14,000 बच्चे इसमें मेंस लिखने जा रहे हैं जनवरी में। आप जिम्मेदारी ये है कि आप जो लोग 21 का और 22 21 का और 19 का दोनों का मेंस दे रहे हैं, मेंस 21 और मेंस 19 जो दोनों का दे रहे हैं, उनको एक स्ट्रेटेजी लेके चलनी पड़ेगी अच्छी, कि कैसे दोनों को कवर किया जाए। तो आप हो सके तो कॉमन सब्जेक्ट्स अभी पढ़िए शुरू में, 1-2 महीने उनको खत्म करिए, और बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनको आप लास्ट में अच्छे से करिए और एक बार में करिए। और हो सकता है कुछ लोगों ने तो कर ही लिया होगा, तो उनको कहने की जरूरत नहीं है। बाकी जिसको भी स्ट्रेटेजी की जरूरत है, तो मैं एक स्ट्रेटेजी पे एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ आपके लिए, जल्द ही 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। और आपसे सबसे पहले माफी चाहूंगा कि कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डल पाया, जैसा कि आपको मेरी आवाज से पता चल रहा होगा कि मुझे वायरल हुआ हुआ था, तो वीडियो पे काम नहीं कर पाया। लेकिन अब से कंटिन्यू कोशिश करूंगा, कंटिन्यू वीडियो रहे,
और हम स्टडी पे वर्क करेंगे, दोनों के सिलेबस पे वर्क करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से हम दोनों को मैनेज करके चलें गाइस। तो यही मुझे आपको बताना था कि जिस तरीके का मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड एनालिसिस दिया था वो आपके सामने है, आप खुद देख रहे हैं कि एनालिसिस बिल्कुल सही बैठा है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, मैं अब भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, और कुछ अनुभव जो मुझे मिला है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियो जो आपने देख रखी है, जो एक ट्रस्ट बिल्ड है, आपको अच्छा लगता है मेरा समझाना पढ़ाना एनालिसिस, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और अपने फीडबैक कमेंट्स में दें, ताकि जो भी इम्प्रूवमेंट है मैं कर सकूं, अच्छा कर सकूं, आपको बता सकूं और मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने मिले। सो गाइस, आज अपनी बात को यहीं रखता हूँ और वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।